4 अगस्त 2020 लिबनान की राजधानी बैरूत दे विच एक ऐसा धमाका हुंदा है जिस बारे मन्या जांदा है कि वह एक परमाणु धमाका सी। असी इस दे बारे एक शॉर्ट भी बना चुके हैं जिस विच असी कहा कि असी फुल वीडियो लेके आवांगे, तो यह उही वीडियो है। स्वागत है तुहाडा डार्क सच टीवी ते, ते अज मैं तुहानू दसांगा कि वह धमाका आखिरकार होया क्या सी, कि वह सच्चियों एक परमाणु धमाका सी जां फिर किसी द्वारा किया गया कोई हमला सी, इस दे पिछे दी वजह की सी। धमाका तो यह हुंदा 4 अगस्त 2020 पर इस दीयां तारां जुड़ियां होईयां ने 2014 नाल। दरअसल हुंदा की है कि 2014 दे विच एम वी रोदस नां दा एक जहाज तुर्की राहीं आ रहा सीगा गल्फ कंट्रियां तक एक समान लैके। 2700 टन समान भरिया होया सीगा उस जहाज दे विच, कारगो शिप दे विच। उन्हें खाड़ी देशां विच जाना सी पर अजे सफ़र अद्धा ही होया सीगा कि उस जहाज विच खराबी आ जांदी है, वो सफ़र नूं पूरा नहीं सी कर सकदे। तां की हुंदा कि वह लिबनान देश दे पोर्ट ते पहुँचदे आ। लिबनान देश दी अथॉरिटी नूं कहा जांदा है कि साडा जहाज हो चुक्या खराब, असी इस विच जो मटीरियल है जो असी लैके जा रहे सीगे खाड़ी देशां विच उहनूं असी लैके जाणा अगे, तुसीं सानूं जिहड़ा इह समान है ਇਹ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ कि लिबनान की अथॉरिटी ने उन्होंने वो समान उत्थे उतारन नहीं दिता, ये तुहानू असीं अगे दसांगे। सो हुंदा की है कि बहस चलती रहिंदी है, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं, वो जहाज खड़ा रहिंदा पर उन्होंने उत्थों समान अगे भेजन की इजाजत नहीं दिती जाती क्योंकि उस विच कुछ सी ही ऐसा। सो की हुंदा कि फिर हौली हौली मामला लंबा पैंदा जांदा, 6 महीने बीत जांदे, 6 महीने तक वो जहाज उत्थे ही खड़ा रहिंदा। 6 महीने बाद की हुंदा है कि जिहड़ी वह जहाज़ की मालिक कंपनी है ना वह बैंक करप्ट हो जाती है, यानी कि वह कंपनी खत्म हो जाती है जिन्हों का वह समान सी। ऐसा मनिया जाता कि शायद यही उसकी वजह से कि उन्हों का इन्ना ज़्यादा नुकसान हो गया कि 2700 टन एक मटीरियल जो उन्होंने वेचना सी एक्सपोर्ट करना सी वह हुण उत्थे खड़ा है, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा, तो वह बैंक करप्ट हो गई कंपनी इसे करके, तो वह कंपनी खत्म हो गई, यानी कि हुण वह जहाज सीगा जिहड़ा उहदा कोई मालिक नहीं सी रहा, जिहड़ा उहनूं लैण आउंदा वह एक लवारिस जहाज बन के रह गया। वह जहाज उत्थे ही खड़ा रहिंदा, साल बीतदा, 2 साल बीतदे, 3 साल बीतदे, इदां कर करके 6 साल बीत जांदे आ, ते वह जहाज उत्थे ही खड़ा रहिंदा, उहनूं कोई लिजाण नहीं आउंदा, ते उहदे विच पिया होया समान भी उसे तरह रहिंदा। पर फिर की हुंदा कि 2019 दे आस पास ना वह जहाज डुबण लग जाता क्योंकि वो कोई मरम्मत नहीं थी की गई, वो पानी भरना हौली हौली स्टार्ट हो जाता है। तो फिर की होंगे कि लिबनान की जो अथॉरिटी उतनी की सरकार वो ये सोचती है कि जे ये जहाज डुब गया तो इस जो समान भी इतने डुब गया तो यह बहुत व्डा खतरा साबित हो सकता है पूरे शहर लई, इस बंदरगाह लई, तो इस समुद्र लई भी, उन्होंने इस समुद्री किनारे लई। तो वह एक फैसला लेंदे आ कि इस समान नूं कढ के आपां कितने सुरक्षित जगह रख दिंदे आ इत्थे ही आस पास, तां उह इसलई एक बंदरगाह दे नेड़े ही एक गोदाम, सरकारी गोदाम, वह समान उत्थे कढ के रख दिंदे आ, ते जिहड़ा उह जहाज सीगा उह हौली हौली डुब जांदा खड़ा खड़ा, समान उसदे विच्चों कढ लिया जांदा, उह समान उत्थे बंदरगाह दे कोल वाले एक बहुत वड्डे गोदाम दे विच रख दित्ता जांदा। पर अगस्त 2020 उस गोदाम दे विच अग लग जांदी है, अग लग जाती है, वह समान सड़न लग जाता, तो छोटे छोटे धमाके होने लग जाते, अग दियां लपटां बहुत उच्चियां जांदियां ने आसमान विच कि कई किलोमीटर दूर तो भी देखा जा सकता सीगा। उन्हां नूं यह पता लग रहा सीगा हौली हौली, सारयां नूं महसूस हो रहा सीगा कि गंभीर हुंदा जा रहा मामला वधदा जा रहा क्योंकि अग बुझ नहीं सी रही, जो अंदर कंटेनर पए हुए सी वह फटते जा रहे थे। फिर 4 अगस्त 2020 वह होंगे कि सारी दुनिया हैरान रह जाती है, एक इन्ना वड्डा ब्लास्ट होंगे,
कि उस तो बाद उस तो वड्डा अगर कोई ब्लास्ट आपां गिणीए तां उह सिर्फ परमाणु धमाका है, यानी कि उदो वड्डा अगर कोई धमाका होया तां सिर्फ परमाणु धमाका, बगैर परमाणु धमाके दे एडा वड्डा कोई धमाका नहीं होया। इसलिए इहनूं हिस्टरी दा सब तो वड्डा गैर परमाणु धमाका मन्निया जांदा। इन्ने जोर दी एक आवाज आउंदी है, उह शॉकवेव जो निकलदी है ना उह देखी जा सकदी है। तुसीं बहुत सारियां वीडियोस देखियां होणियां यूट्यूब ते उस धमाके नाल संबंधित, जे नहीं देखिया तो मैं चाहूंगा कि तुसीं यूट्यूब ते जाके सर्च मारो बैरूत एक्सप्लोजन बैरूत धमाका, तो तुहानूं पता लग जाएगा कि धमाका सी की। 200 मीटर दे रेडियस दे विच जिन्ने भी लोग मौजूद सन हर एक नूं कोई ना कोई गंभीर इंजरी आई है, चाहे किसी के कन्ना दे पर्दे फट गए होण, कोई इन्ना हो गया होवे, जां किसी नूं कोई होर इंजरी आ गई होवे। 200 तों वध लोकां दी तां मौत हो गई, बहुत खतरनाक धमाका सी। पर की वह कोई परमाणु धमाका सी? उस जहाज़ दे विच ऐसा सी कि पहला उहनूं उतारन नहीं सी दे रहे, ते जदों हुण फटिया तां मतलब तबाही मच गई। असल दे विच उस जहाज़ दे विच सीगा अमोनियम नाइट्रेट। हुण ये कोई बारूद नहीं है, ना ही ये कोई प्लूटोनियम है या यूरेनियम है जिहदे तों परमाणु बंब बणदे आ। असल दे विच अमोनियम नाइट्रेट है जिहड़ा ये रेहां स्प्रेहां लई वरत्या जांदा, फसलां लई वरत्या जांदा, एग्रीकल्चर विच इसका यूज हुंदा, कई सारियां दवाइयां बनाउण दे विच, खादां बनाउण दे विच जो आपां फसलां लई वरतदे आ। पर एक प्रॉब्लम यह है कि यह ज्वलनशील है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, तो इन्हें संभाल के रखना पैंदा, जो कि उन्हां तो एक गलती हो गई कि उत्ते अग लग गई। तो एडे वड्डे धमाके होने की वजह यह सी कि यह बहुत भारी मात्रा में सीगा, 2700 टन, कोई छोटी मात्रा नहीं होंगी किसी भी चीज़ की, बहुत भारी मात्रा में यह उत्ते मौजूद सी। तो हौली हौली जिमें जिमें सेक वधदा गया अग लगी तो ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਟਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਟਿਆ। ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰ ਦੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੱਪਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।